हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट टू वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट टू वीडियो में प्रश्नावली टू पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है हाँ या नहीं में उत्तर दे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले का फर्स्ट नंबर है, क्या यह आवश्यक है कि समांतर माध्य दिए गए चर मानों में से ही एक हो। नहीं, ऐसा कुछ थोड़ा है जी। अगर मान लीजिए आपके चर मान कुछ दिया हो, 1, 2, 5, 7, 3 दिया, और इसका अगर मैं माध्य निकालना चाहूं तो 1 + 2 + 5 + 7 + 3 और बटा में 5 जोड़ो, तो 5 × 2 = 7 = 8, 8 × 3 = 11, 8 × 3 = 11 + 7 = 18, 18 / 5 काटोगे इसे तो कितना आएगा, 5 × 15 = 15, 3.6 आएगा ना जी, 3.6 आएगा। तो 3.6 आ रहा है, क्या 3.6 इसमें से कोई एक है? नहीं ना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि समांतर माध्य दिए गए चरमानों में से ही एक हो। क्या यह आवश्यक है कि समांतर माध्य दिए गए चरमानों में से एक हो? तो नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। समझ रहे ना, यहाँ एक एग्जांपल लेके भी हमने समझ लिया। चलिए अगला देखिए, 2 नंबर।